हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंडों के साथ, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को लर्निंग टाइम को। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग माई चैनल लर्निंग टाइम। थैंक यू फ्रेंड्स। इस वीडियो में बात करेंगे, सी लैंग्वेज में जानेंगे पैटर्न का हमारा प्रोग्राम चल रहा है। इसमें हम हॉलो ट्रायंगल को प्रिंट करेंगे। तो देखिए, इसमें आपको जो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 वाले मैंने दिया है, रो दी है, उसके अनुसार प्रिंट। यानी हम समझ सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आप नीचे जाएंगे तो 5 बार तक हमें लाइन है, 5 लाइन तक प्रिंट कराना है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर भी आपको इसको प्रिंट कराना है, ठीक है। ये 10 है तो किस तरीके से इसमें करना है, यहाँ पे आप स्पेस प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे भी स्पेस प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे भी स्पेस, तो उसको यहाँ पे किस तरीके से काम करना है वो हम बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें सोचना है, जो हमारा फॉर लूप लगेगा, पहले जो हमारा फॉर लूप लगेगा फ्रेंड्स, वो की जो कि हमारा क्या काम करेगा, एक तो 5 वाला उसकी मैक्सिमम दे सकते हैं, 5 दे सकते हैं, क्योंकि 5 लाइन ले रखा है, तो उसके लिए 5 के लिए हिसाब से हमें कोडिंग करेंगे, या फिर ऐसा वेरिएबल रखेंगे जो आप जितनी लाइन देना चाहें उस हिसाब से कर सकते। जैसे कि मैंने यहाँ पे दे रखा है, अपने यूजर द्वारा इनपुट कराएंगे उस हिसाब से लाइन पर ये काम करेगा, ठीक है। तो 5 देंगे तो 5 के हिसाब से, 6 देंगे 6 के हिसाब से, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चीज, ये हमारी कोडिंग रहेगी। इसकी डिजाइनिंग की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक यूजर द्वारा मैसेज दिया सबसे पहले, जिससे कि वो रो इनपुट कर सके। 5 देगा तो 5 लाइन होगी, 6 देगा तो 6 लाइन का त्रिभुज बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से, तो उसी के अनुसार यहाँ पर लाइन को अगर नीचे की ओर रन कराना है, ठीक है। तो देखिए, i इक्वल टू 1 से लेकर रो जितना हमने दिया है, तो यानी 5 दिया तो 5 बार तक चलेगा, ठीक है। j इक्वल टू i, ठीक, j इक्वल टू i यानी आपका जितना i की वैल्यू क्या है, स्टार्टिंग 1, तो 1 बार प्रिंट होगा, ठीक है। आई जे की वैल्यू क्या है, 1, और रो हमारा कितना है, 5, ठीक है। तो इस तरीके से हमने किया, तो ये 5 बार तक चलेगा, 1 से लेके 5 बार तक चलेगा जे प्लस प्लस। तो इससे क्या होगा, पहले सबसे पहले स्पेस प्रिंट करा लें, जो कि सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। यहां से लेके स्पेस प्रिंट कराना है, तो कितनी बार प्रिंट होगा, 1 से लेके 4 बार तक स्पेस प्रिंट होगा, 1, 2, 3, 4 तरीके से स्पेस प्रिंट हो, जे प्लस प्लस। तो यानी कंडीशन कहती है यहाँ पे फ्रेंड्स, आई इक्वल टू 1 है और आई क्या है, 1, रो हमारा 5 है, तो ये क्या है, बड़ा है, तो इस कंडीशन में सेटिस्फाई, यानी आई की वैल्यू छोटी है, इसके हिसाब से होना चाहिए। आई की वैल्यू इससे बड़े होते ही, आई की वैल्यू यदि 5 हो या 6 होगी, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, ये वाला फॉर लूप हमारा, ये वाला फॉर लूप है, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो अगर सब तक सही है तो इस वाले लूप के अंदर चलेगा। अब इस लूप में आया तो अब यहाँ पे जे की वैल्यू हमारी क्या आती, 1, आई की वैल्यू क्या थी, 1, तो यहाँ पे इसको इनिशियलाइज कर दिया, 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमारा आप देख रहे हैं स्पेस भी घट रहा है, क्योंकि आई की वैल्यू यहाँ पे जैसे जैसे बढ़ेगी स्पेस भी घटता जाएगा, ठीक है। इस कंडीशन इसलिए हमने इसलिए लगा दी, ठीक। आई की वैल्यू 1, अब जे की वैल्यू क्या है हमारी, 1 है, तो ये देगा 1 और रो में 5 है, तो ये क्या बढ़ा है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गई, इसलिए इसने क्या करा, 4 बार तक चला, और जब ये 4 हुए, 5 हुए, तो ये क्या हुआ, इस कंडीशन के नीचे नहीं आएगा, 4 बार ही स्पेस प्रिंट करेगा। फिर यहाँ पे आया, हमने जे की वैल्यू 1 करी, अब उसको मैंने क्या कर दिया, 2 × −2 × i − 1, ठीक है। तो ये हमने इसलिए किया, जैसे कि ये इसी के अनुसार वो प्रिंट करता रहे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, हम यहाँ पे हमने लिखा, यहाँ पे हमने लिखा जे इजल टू 1, ठीक है। यहाँ पे हम जे इजल टू 1 पर अब देखिए क्या हुआ, 1 है, ये क्या है, 1, और i की वैल्यू 1 है, 2 × −1 = 1 बराबर है, ठीक है। तो ये एक ही बार आया और j प्लस प्लस हो जाएगा अगर अगली बार में, तो i की वैल्यू इक्वल टू रो या j की वैल्यू तो 1 के बराबर है, ठीक है। तो ये हमने कंडीशन दी है, यानी i और रो के बराबर है, यानी वो जब पहला j की वैल्यू 1 है तब तो वो क्या करे, 4 को प्रिंट कर दे। अगर नहीं, अगर इस दूसरी कंडीशन नहीं करेगी, i की वैल्यू रो के बराबर है, यानी ये वाली वैल्यू इसके, यानी जब वो 5 हो जाएगी, ठीक है, आई की वैल्यू जब 5 हो, तब इस कंडीशन में क्या करे, प्रिंट कर दे स्टार को। तो यहाँ पर एक बार हमने कंडीशन अप्लाई है, ये क्या कहती है, इसको देखते हैं, ये क्या है, 1, ये हमारी वेरिएबल है, ये आई के ऊपर डिपेंड है, आई 2 × 1 यानी 1, तो जे इक्वल टू 1, तो ये अभी इसी के बराबर, तो स्टार प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में आया तो उसने क्या करा, इसको स्टार को प्रिंट कर दिया, ठीक, इस तरीके से इसने ये काम किया। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट में, तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे देख रहे हैं, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती तो वो क्या करेगा, स्पेस प्रिंट करता रहेगा। इन तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी
तो इसको स्प्रिंट करते रहेगा। अभी फिलहाल इसने एक स्टार प्रिंट कर दिया, ठीक है। इसके बाद हमारी जे की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे दो हो गई, और दो जो हो गई वन, अब जो हमारा क्या था वन ही निकल के आया, तो वन कभी बढ़ेगा नहीं, ठीक है। तो वन अभी दो बढ़ा होगा, तीसरी कंडीशन फॉल्स हो गई। इस कंडीशन में ये उस वाले फॉर लूप से निकल गया, ठीक है। इस वाले फॉर लूप से निकल प्रिंट है, यानी अब नई लाइन पर हमारा आ गया, इसलिए हमने इस फॉर लूप को ऊपर, सबसे ऊपर वाले फॉर लूप को लगाया था। तो फ्रेंड्स इसलिए इस वाले हमने फॉर लूप को लगाया था, ठीक है, जो कि मैं ये दिखा रहा हूँ, वो सारी कंडीशन फॉल्स होने पर इधर आ गया। अब देखिए, अब आई की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे दो हो गई, ठीक है। अब दो और पांच अभी भी बढ़ा है, ठीक है, इधर आया। जे इक्वल टू, अब जे की वैल्यू क्या हो गई, दो हो गई, ठीक है, और पांच अभी भी बढ़ा है। तो उसने क्या करेगा, अब ये कितनी बार प्रिंट करेगा, तीन बार स्पेस कर, पिछली बार चार बार किया था, क्योंकि दो, अब दो से चलेगा, दो तीन चार, और पांच तक तो नहीं जाएगा, पांच पर ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है, इसलिए तीन बार स्पेस प्रिंट कर दिया। फिर इधर आ गया अपन, ठीक है। अब जे इक्वल टू वन हो गया, अभी आई की वैल्यू कितनी, दो और चार, चार में से एक गया तीन, ठीक है, और यहाँ पे जे की वैल्यू वन है, ठीक, और तीन आ गया हमारा आंसर, यहाँ पे तीन आया, और ये जे की वैल्यू वन है, तो इसने इधर आया, ठीक, इसने इस वाली कंडीशन से मैच कर गया, ठीक है। तो उसने ये वाला स्टार प्रिंट कर दिया, क्योंकि जे इक्वल टू वन है, इनमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होने पर ये स्टार प्रिंट कर देगा। फिर जे इक्वल टू वहां पर क्या होगा, टू हो गया, तो इस कंडीशन में क्या हो गया, अब ये हमारा तीन है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो यहाँ पे देखा आई इक्वल टू हुआ है, नहीं हुआ है, तो इस वाली कंडीशन पाते हैं अपन, है ना। यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी है अपनी, दो, यानी तीन। जे की वैल्यू कितनी है, अभी अभी भी हमारी बराबर नहीं हुई है जे के, ठीक है। तो यानी जे, ये हमारा तीन आ गया, ये ऊपर वाला ही है फ्रेंड्स, तीन और दो है, यानी इसका मतलब ये है कि जब ये जब जब बराबर होगा, लास्ट के डिजिट के बराबर, आप देख रहे हैं ये लास्ट आई और जे जब लास्ट लास्ट में होंगे, तब ये स्टार प्रिंट करना है, ठीक है। इसलिए हम भी यही चाहते थे जब भी लास्ट लास्ट में प्रिंट हो, इसलिए, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। तो अब क्या होगा, अब दो है और ये तीन है, तो ये मैच नहीं किया, तो उसने क्या करे, एल्स पे जाकर, वो हमारा नीचे एल्स था, है ना। अब नीचे एल्स पे जाके क्या करेगा फ्रेंड्स, अब वो स्टार को स्पेस प्रिंट कर देगा, ठीक है, जो कि इधर आ गया, स्पेस प्रिंट हो गया। स्पेस प्रिंट होने के बाद फिर से जे की वैल्यू तीन हो गई, यहाँ पर आया आई इक्वल टू नहीं है, ये भी नहीं है, अब ये क्या, तीन तीन बराबर हो गए, तो इस कंडीशन पे क्या होगा, जो बराबर आएगा। तो यानी हम एक चीज समझ सकते हैं, ये वाली कंडीशन जब है, जब जब हमारे जितने नंबर पे उसके लास्ट वाले के एक प्लस के बराबर हो रहा है, ठीक है, तो इसी लास्ट वाली कंडीशन हमारे इसी हिसाब से चलेगी। तो इससे तीन हो गया, तो जब भी ये और ये दोनों बराबर हो जाएंगे, जे और ए वाला समीकरण की वैल्यू बराबर हो जाएगी, तब हमारा क्या प्रिंट होगा, स्टार प्रिंट होगा। उसके बाद क्या होगा, तीन प्रिंट हो गया, स्टार प्रिंट हो गया फ्रेंड्स, सॉरी। फिर उसके बाद क्या हो, चार होने पर ही क्या हो, पूरे लूप से बांध देगा, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी, क्योंकि चार अब बड़ा हो गया, यानी जे बड़ा हो गया इस वाली फॉर्मूले से, इससे बड़ा होने से क्या हुआ, लूप से बाहर निकल गया, फिर से इधर आया, फिर से इधर आ गया। मैं हटा देता हूं सबको, ठीक है, इस तरीके से बाहर आ गया। अब आई की वैल्यू कितनी हो गई, थ्री, थ्री होने पर ही क्या हो गया, जे की आई की वैल्यू जे में फिर से हो गई, इनिशियलाइज तीन हो गई, तीन हो गई। अब इस तरीके से क्या करेगा, तीन और चार दो स्पेस प्रिंट करेगा, है ना, इधर के लिए दो स्पेस प्रिंट किया, फिर इधर आ गया। अब जे की वैल्यू वन हो गई, अब ये क्या हुआ, छ माइनस वन। अब यहां पर हमारा कितनी बार लूप चलेगा, पांच बार तक, ठीक है, क्योंकि अब ये क्या हुआ, जे की वैल्यू जब पांच होगी तभी इसकी, छह माइनस वन हो गया पांच, तो जे की वैल्यू जब होगी लास्ट वाले में तभी जाके स्टार आएगा। तो इसमें क्या करेगा, पहले स्टार दे देगा, क्योंकि जे की वैल्यू वन है, तो अब इसमें एक स्टार दे दिया इस तरीके से, और इस कंडीशन के हिसाब से ये क्या करेगा, लास्ट में जब हुआ तब ये स्टार प्रिंट करेगा, बाकी इसमें क्या करेगा, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करे तब तक ये स्पेस प्रिंट करता रहेगा, ठीक है। और स्पेस इसने क्या प्रिंट कर दिया, पिछली बार एक स्पेस किया था, दो स्पेस इधर प्रिंट कर दिए, ठीक है, इस तरीके से ये दो स्पेस यहाँ पे प्रिंट कर दिए। तो ये हो गया फ्रेंड, दो स्पेस हमारे यहाँ प्रिंट हो गए। इस तरीके से जब ये कंडीशन अनसेटिस्फाई होगी, फिर से ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू फिर से चार हो जाएगी, चार होने पर ये एक स्पेस प्रिंट करेगा यहाँ पर, फिर इसके बाद यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद क्या हुआ, आई की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, चार, तो आठ माइनस सात, तो सात, जब अभी हमारा क्या करे, सात बार तक चलेगा, ठीक है, जे की वैल्यू उसमें अब क्या होगा, यहाँ पर जे की वैल्यू होने पर एक स्टार प्रिंट कर देगा, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे स्पेस की संख्या तीन हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि तीन बार इसको क्या करेगा, या जे की वैल्यू टू होने पर नहीं मिलेगा, जे की वैल्यू थ्री होने पर नहीं मिलेगा, जे की वैल्यू फोर होने पर नहीं मिलेगा, इस तरीके से ये नहीं मिलेगा, जे की वैल्यू
ठीक है। तो इस तरीके से अब ये क्या करेगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइम ये हमारा, तो फ्रेंड्स ये नेक्स्ट टाइम हमारा किस तरीके से काम करेगा, जब ये सात हो जाएगा, मैंने बोला ना चार, ये हमारा चार था आठ, आठ माइनस एक सात, जे की वैल्यू सात होने पर ये लास्ट में स्पेस प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब हम लास्ट पे आते हैं पांचवे पे, तो देखते हैं, ठीक है, वो हमारा इंपॉर्टेंट है, उसको हम देख लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए जैसे अब इस पे आते हैं, अब आई की वैल्यू हमारी फाइव हो गई सपोज, है ना, आई की वैल्यू फाइव हो गई, तो इधर से बराबर है, मैच कर गया, तो इधर आए, अब ये पांच हो गया, और ये क्या हो रहा है, एक भी ये पांच हो गया उसके बराबर हो गया, तो यानी इस कंडीशन पर नहीं आए, एक भी स्पेस प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। अब जे इक्वल टू क्या है, वन, ठीक है फ्रेंड्स, यहां देखिए जे इक्वल टू वन है, तो यहां पर क्या करा, इसने स्टार प्रिंट कर दिया, यहां पर आई की वैल्यू क्या है पांच, तो रो की वैल्यू कितनी है, और रो में कितना है पांच, तो दोनों बराबर है, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये क्या पूरा 100% सेटिस्फाई रहेगा, तो इसमें क्या पहले एक और स्टार प्रिंट कर देगा। अब जे की वैल्यू कितनी कब तक चलेगी, जब तक चलेगी फ्रेंड्स, यहाँ पे पांच और दस, दस नौ बार तक चलेगा, एक बार तो उसने प्रिंट कर, नौ बार तक हमारा क्या प्रिंट होगा, स्टार प्रिंट होगा, तो इस तरीके से हमारा ये काम करेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा स्टार प्रिंट करता है, नौ बार ही स्टार प्रिंट करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। आई की वैल्यू जैसे क्या होगा, आई ये आई और रो जब तक नौ बार हमेशा सेटिस्फाई करता रहेगा, ठीक है, इस वजह से ये हमारा नौ बार स्टारो प्रिंट करता रहेगा, ठीक। ये हमारा प्रोग्राम था जो कि मैंने आपको समझाया किस तरीके से काम करता है। तो फ्रेंड्स नीचे भी आप देख सकते हैं, देखिए तीन ये रहे, तीन ये रहे, तो नौ बार स्टार प्रिंट करा, ठीक है, जो कि मैंने अभी आपको बताया, इसी वजह से ये हमारा नौ बार हमारा इसमें लूप में चलेगा, तो नौ बार स्टार प्रिंट कर रहा है, ठीक है। ये हमारी कोडिंग थी जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन करी।